हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हम आपके साथ डेथ ऑफ पार्टनर डिस्कस कर रहे थे। उसको जल्दी से एक रिकॉलिंग लेकर आज हम अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये कहा था कि नॉर्मली डेथ का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें कहा जाता है जिस पार्टनर की डेथ हुई है। हमें पहला डिफरेंस हमने कहा था रिटायरमेंट एंड डेथ का, कि रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर होता है उसके कैपिटल को आइदर बाय पेइंग कैश और ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट से उस अकाउंट को क्लोज किया जाता है। वेयर एज डेथ के समय हम उसका बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जिस आदमी की डेथ हो गई है उस आदमी को ना तो कैश दिया जा सकता है ना ही उसके नाम का कोई लोन रखा जा सकता है। दूसरी बात हमने कही थी कि जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें कोई टाइम फैक्टर नहीं देखा जाता, लेकिन अगर हमें कोई सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ देने हैं तो ये एज पर टाइम फैक्टर होते हैं कि वो कितने मंथ तक जिंदा रहा, ये वाली बात हमने की थी। साथ ही हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, क्योंकि रिटायरमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली रिटायरमेंट फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है उस समय यह डिसीजन लिया जाता है कि एक पार्टनर नए फाइनेंशियल ईयर में हमारा पार्टनर नहीं रहेगा। वेयर एज डेथ इन बिटवीन द ईयर कभी भी हो सकती है। हमने जो एग्जांपल लिया था कि दो महीने या तीन महीने के बाद डेथ हो गई किसी पार्टनर की, तो दो मेथड मैंने आपको सिखाए थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसमें हम प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर के एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं इनटू नंबर ऑफ मंथ अलाइव डिवाइडेड बाय 12 करने के बाद जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई किया जाता है। दूसरा हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल कराया था जिसमें हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल, ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट भी हो सकते हैं और लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट भी हो सकते हैं, इनटू सेल अप टू डेट ऑफ डेथ और इनटू हिज शेयर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ मंथ अलाइव इस मेथड में होता है, इसमें नहीं होता, क्योंकि ये सेल अप टू डेट ऑफ डेथ है। जितने मंथ तक वो अलाइव रहा है सिर्फ उतने मंथ की ही सेल है, तो ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन आएगी ऑटोमेटिकली उतने मंथ्स के लिए ही आएगी जितने मंथ तक वो जिंदा रहा है। अब हम सबसे पहले इनकी एक एक प्रैक्टिस लेते हैं। से टाइम बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है, एबीसी पार्टनर हैं, 2-1 में शेयर करते हैं और बी की डेथ 31 जुलाई को हो जाती है, 31 जुलाई को। तो अगर इनकी बुक्स 31 मार्च को बंद होती हैं तो कितने मंथ तक वो अलाइव रहा? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, दैट मीन 4 मंथ तक वो अलाइव रहा है। अब उसको एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने निकालना है, तो 4 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं 15,000, 17,000, 19,000 एंड 13,000 डिवाइडेड बाय 4। दैट मीन्स 16,000 पे हमारे एवरेज प्रॉफिट्स। हमारा फॉर्मूला क्या है? पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट इनटू कितने महीने वो जिंदा रहा डिवाइडेड बाय 12 इनटू हिज शेयर, बी का शेयर ये है 2/5। तो 16,000 रुपीज़ की एवरेज प्रॉफिट को हमने जब 4 डिवाइडेड बाय 12 किया तो ये इनटू 2/5, तो ये 2133 के प्रॉफिट्स आ जाएंगे जो हमने उसको देने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स की एवरेज या लास्ट ईयर के प्रॉफिट जैसा क्वेश्चन में लिखा हो उसको बेस मानते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में 16,000 है। ये एक साल के एवरेज प्रॉफिट हैं और पार्टनर 4 मंथ तक जिंदा रहा है, तो ये प्रॉफिट्स कितने मंथ्स के हो जाएंगे? ये प्रॉफिट्स हो जाएंगे उतने मंथ्स के जितने महीने तक वो जिंदा रहा है, और फिर उसका जो भी शेयर है
हम उसको दे देंगे बायपासिंग जर्नल एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेल के साथ आए कुछ इस तरीके से, ये एक्स वाई पार्टनर हैं, 30th मे को एक्स की डेथ हो जाती है, 30th मे को मीन्स 31 मार्च को अगर बुक्स बंद होती हैं तो अप्रैल एंड मे 2 मंथ्स तक अलाइव रहा है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि टर्न ओवर मेथड में हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने मंथ तक अलाइव रहा है प्रॉफिट निकालने के लिए, हमें अप टू डेट ऑफ डेथ यानी कि 30 मई तक की सेल कितनी हुई है ये निकालना है। हमें यहाँ पर 2/12 इस मेथड में नहीं करना। इसका जो फॉर्मूला था लास्ट ईयर प्रॉफिट्स वो थे 63,000, लास्ट ईयर सेल दैट इज 9 लाख इंटू सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, दिस विल गिव मी द प्रॉफिट अप टू 30th मई 2017, जिसका शेयर में एक्स का जो भी शेयर है, क्वेश्चन में शेयर नहीं लिखा हुआ है, तो व्हेन नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन प्रॉफिट्स आर सपोज्ड टू बी शेयर इक्वली, तो आधे इतने दे दिए जाएंगे। तो यहां पर ये अगर हम देखें तो दिस विल कम्स टू 21,000 का आधा 10,500 रुपीज उसका प्रॉफिट शेयर आ रहा है। तो दोनों मेथड मैंने आपको रिकॉल कराए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जिसमें हम पिछले साल के या पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट को बेस लेते हैं, वहाँ हम ये ध्यान रखते हैं कि कितने मंथ तक वो जिंदा रहा है, दैट बाय 12 इनटू हिज शेयर। लेकिन जब हम टर्नओवर मेथड में होते हैं तो हमारा फॉर्मूला है लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट और लास्ट ईयर एवरेज सेल भी हो सकता है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इनटू सेल अप टू डेथ, डेथ तक कितनी सेल हो चुकी है, इससे हमें उतने पीरियड के प्रॉफिट मिल जाएंगे। वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ मंथ अलाइव बाय 12, उसको सिर्फ हमें उसके पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, ये सारी बातें सीखने के बाद आज हम एक कैपिटल अकाउंट बनाकर देखते हैं कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। फिर से माइंड में इन चीज़ों को रख लें कि कौन कौन सी चीज़ें टाइम फैक्टर के साथ चलती हैं और कौन कौन सी चीज़ों में टाइम फैक्टर नहीं देखा जाता है। तो हम बैलेंस शीट में लिखे हुए जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में लिखी हुई गुडविल, रिवेल्यूएशन के प्रॉफिट या कोई इंश्योरेंस का शेयर टाइम फैक्टर नहीं देखते हैं। हमें उसको पूरे पैसे जितना भी उसका शेयर बनता है इरिस्पेक्टिव कि वो 2 मंथ्स के बाद डेथ हुई है या 5 मंथ्स के बाद डेथ हुई है, उसका जितना शेयर बनता है उसको दे दिया जाता है। लेकिन एज फॉर एज द प्रॉफिट फॉर दैट पीरियड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उनको टाइम फैक्टर के साथ कि उसको कितने मंथ तक वो अलाइव रहा है उतने मंथ का दिया जाता है। तो पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। दिस इज द क्वेश्चन कि एक्स और वाई पार्टनर हैं, 3/6 2/6 में शेयर करते हैं और 1/6 अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखते थे। अब एक्स की डेथ हो जाती है 3 मंथ्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन की सबसे पहली टेक्निकल चीज है बच्चे कि एक्स और वाई की जो रेशियो है वो 3:2 है, दैट मीन 3/5 एंड 2/5, वेयर एज यहाँ पे 3/6 2/6 एंड 1/6 लिखा हुआ है। तो जब तक वो अलाइव थे अपने फ्यूचर के लिए 1/6 बचा कर रखते थे, लेकिन अब जब भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो बिटवीन एक्स एंड वाई दैट इज टू बी शेयर्ड बाय देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2, तो देयरफॉर 3/5 एंड 2/5 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये इस क्वेश्चन की पहली टेक्निकलिटी है। बात समझ में आई कि लिखा 3/6 2/6 है, दो पार्टनर हैं, दे वर शेयरिंग 3/6 2/6 एंड दे आर रिटेनिंग 1/6 पार्ट फॉर देयर फ्यूचर, लेकिन अब क्योंकि एक्स की डेथ हो गई है तो अब फ्यूचर की बात नहीं, आप जो भी एक्स और वाई में बटेगा दैट शुड बी शेयर्ड बाय देम इन रेशियो 3/5 एंड 2/5।
उस दिन उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 20,000 है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 12,000 है। जरा ध्यान दीजिए कि 12,000 को टाइम फैक्टर देखना है कि नहीं, कि 3 महीने जिंदा रहा है, नहीं देखना है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यहाँ हमें टाइम फैक्टर देखना पड़ेगा। सैलरी 300 पर मंथ है, यहाँ भी टाइम फैक्टर देखना पड़ेगा। उसके बाद उसके प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, जो कि 13,500 रुपये के हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से एक्स का कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि हमें निकालना है कि एक्स के एग्जीक्यूटर्स को हमें कितने पैसे देने हैं, ये हमें निकालना है। तो लेट अस सी, दिस इज एक्स कैपिटल अकाउंट। हमें कहा गया है कि एक्स का कैपिटल बैलेंस 20,000 रुपये है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। हमें ये कहा गया है कि जनरल रिजर्व 12,000 के अपीयर हो रहे हैं, तो बाय जनरल रिजर्व 12,000 का एक्स का शेयर दैट विल कम्स टू 7,200। इसके साथ हमें ये नहीं देखना है कि ये 3 मंथ्स का उसको जनरल रिजर्व दें। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा था, ये क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो एक्स और वाई ने अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखे हुए थे, और इसका शेयर इररिस्पेक्टिव कि वो 2 महीने बाद मरे, 3 महीने बाद मरे या 5 मंथ्स के बाद मरे, उसको पूरा शेयर मिलेगा। लेकिन जहां बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आ रही है, तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा गया है, तो 20,000 का 10% नहीं देना है, इनटू 3/12 भी करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सब्जेक्ट टू टाइम। जितने मंथ तक वो जिंदा रहा है, ही अलाइव फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट, देयरफॉर 3/12, तो दिस विल कम्स टू 500 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिल जाएगा। साथ ही कहा गया है कि उसको 300 पर मंथ की सैलरी मिलती है, तो ये सैलरी भी उसको फॉर हाउ मेनी मंथ वी विल पे, ऑब्वियसली फॉर 3 मंथ्स ही हम उसको ये सैलरी देंगे, दैट इज 900 रुपीज। और जहां तक बात प्रॉफिट देने की है, उसने कहा 13,500 को बेस बना लीजिए, ये पूरे साल के प्रॉफिट हैं, तो 3 मंथ्स के कितने होंगे, एंड सिमिलरली उसकी रेशियो 3/5 है तो कितना होगा। इस कैलकुलेशन को अगर हम कहते हैं तो टोटल 13,500 इंटू 3/12 इंटू 3/5, तो 2025 का प्रॉफिट शेयर उसका आता है, जो कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख के दे दिया जाएगा। बस इसका टोटल हम एक्स को पे नहीं करेंगे, ना ही एक्स का लोन रखेंगे, हम इसको एक्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये फिगर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से आई है, इसको मेंशन करिए। तो इस तरीके से डेथ के केस में डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब हम अपनी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। से मिस्टर एक्स अगर रिटायर हो रहे हैं और उनको ये अमाउंट ड्यू है 30,625, और क्वेश्चन ये कहता है कि हमने डिसाइड किया कि 625 तो इमीडिएटली दे दीजिए, और बाकी उनको 3 इंस्टॉलमेंट में हम देंगे विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ये क्वेश्चन अगर हमें आता है रिटायरमेंट में तो कैसे करेंगे, और यही क्वेश्चन अगर हमें डेथ में आता है तो कैसे करेंगे, इसकी डिस्कशन हम करते हैं। देखिए, अगर ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन था और एक्स के कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंस 30,625 आ रहा था, और कहा गया है कि एक्स को इमीडिएटली 625 रुपीस दे दीजिए, तो हम एक्स को 625 दे देंगे। इसकी सेकंड साइड कहाँ होगी,
कैश या बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय एक्स कैपिटल 625, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद 30,000 रुपीज हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि हमने आपको बढ़ाया था कि ये बैलेंस शीट जब बनेगी एक्स की रिटायरमेंट के बाद, वहां पर एक्स लोन 30,000 आ जाएगा। ये मैंने प्रीफिक्स कर दिया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ तय हुई है। लेकिन आज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हम डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ये 30,000 एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे होना है विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, और आप हमें लोन अकाउंट भी बना के बताइए टिल फाइनली पेड, तो वो लोन अकाउंट रिटायरमेंट के केस में कैसे बनेगा और यही डेथ के केस में किस तरीके से डिफरेंट होगा, ये डिस्कशन हम आज करते हैं। और उसके साथ ही हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ का ये वाला जो डिस्कशन है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो लेट अस हैव दिस अ लेजर ऑफ वाई एक्स लोन। अभी हमने देखा कि एक्स का लोन, सॉरी इट इज एक्स लोन, एक्स के लोन के 30,000 रुपीज़ उसकी कैपिटल अकाउंट से उसकी लोन अकाउंट में आ गए, तो हम यहाँ पर बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 30,000 से दिस इज़ द डेट 31 मार्च 16 को वो रिटायर हो गया, डेट फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स फोलियो अमाउंट, हमारी एंट्री पास हुई एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। आज ये लोन बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, तो आज ये एक स्टेप कर लेना चाहिए टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इट इज सपोज कि वो 31 मार्च 17, 31 मार्च 18 और 31 मार्च 19 को आए, और जहां वो 10,000 रुपीज हमसे डिमांड करे वहीं पर लोन का इंटरेस्ट भी डिमांड करे एट द रेट ऑफ 12%, जो कि हमने उनके साथ डिसाइड किया है। तो देखिए पहले केस में जब वो 31 मार्च 17 को आएगा तो और हम उसको जब पेमेंट करेंगे तो वो ना केवल हमसे 10,000 रुपीज़ कहेगा, साथ में कहेगा 12% इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड लोन कितना है हमारा 30,000। तो सबसे पहले हम 31 मार्च 17 को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू करेंगे, एंड दैट इज़ 12% ऑफ 30,000, 3600 का। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं लगाना है, लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाना है, ये वाली बात ध्यान देने वाली है। 30,000 का लोन था, उसका इंटरेस्ट बना 3600, तो टोटल पेमेंट एक साल के बाद जो हम करेंगे दैट इज 13,600। तो देयरफॉर द बैलेंस ऑन दिस डेट विल बी 20,000। एंड सो ऑन। अब हमारा जो इंटरेस्ट अगले साल का आएगा वो 12% ऑफ क्या होगा, 20,000, दैट इज 2400। ये पहला इंटरेस्ट क्या था, 30,000 का 12%, लेकिन दूसरे साल 20,000 का 12%, 2400 रुपये। तो खुद सोच के बताइए कि आज पेमेंट कितनी होगी, 10,000 इंस्टॉलमेंट है और 2400 का इंटरेस्ट है, तो हाउ मच अमाउंट विल पे, 12,400। तो देयर फॉर द बैलेंस इन द लोन अकाउंट इज 10,000। एंड दिस इज द लास्ट ईयर नाउ। अब इंटरेस्ट जो लगेगा वो 10,000 का 12% लगेगा, दैट इज 1200,
तो 31 मार्च 19 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 लगाकर हम इसको पूरे पैसे पे कर देंगे, 10,000 प्लस 1200 11,200, और इस तरीके से ये लोन फाइनली पे हो जाएगा। देखिए एज पर एज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इज कंसर्न, वो यहाँ पे पूरा लोन 30,000 का लिख के बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, क्वेश्चन पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि लोन अकाउंट भी बना के बताइए टिल इट फाइनली पेड। इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर एक्स दिस मच इज़ ड्यू टू हिम, प्रिपेयर हिज लोन अकाउंट इफ द लोन इज पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। तो ये मैंने आपको बना के बताया व्हेन वो रिटायर हुआ है। अब डेथ में क्या चेंज हो जाएगा? डेथ में भी मान लीजिए 30,625 जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। 30,625 का ड्यू हमारा अमाउंट आया था इस बंदे का, तो अब कहा गया कि 625 इमीडिएटली एग्जीक्यूटर को पे करने हैं और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, विच इज़ टू बी पेड बाय द फॉर्म इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो देखिए पहला चेंज, जब ये रिटायर हुआ था तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में 625 पे कर दिए थे और बाकी लोन रखा था। बैलेंस शीट में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैसा पहले उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में से इसकी डेथ हुई है 3 महीने बाद हमने कहा था, तो से इसकी डेथ हुई है 3/6/16 को, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 30,625 यहाँ पे पूरे पैसे आएंगे और यहाँ पर 625 रुपीज़ की पेमेंट होगी कैश या बैंक, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। रिटायरमेंट में हम उस पार्टनर को पैसे दे रहे हैं लेकिन डेथ में हम उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पैसे दे रहे हैं। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। ये गलती नहीं करनी है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट में टू कैश कर दें। उसके बाद अब एक्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 30,000 करके इस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली आज अगर कोई बैलेंस शीट बन रही है तो बैलेंस शीट में एक्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के नाम से 30,000 रुपीज दिखाई जाएंगे। इज इट ओके? तो आज हमने इसे ये कहा इनके एग्जीक्यूटर को कि आप हर साल आइएगा, 10,000 रुपीज़ की एक इंस्टॉलमेंट प्लस 12% का इंटरेस्ट ले जाना। अब क्या चेंज है जरा ये देखते हैं। एक्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में 30/6/2016 को आ चुका है 30,000 रुपीज़ और हमने उसको कहा है कि आप एक साल बाद 10,000 रुपीस प्लस 12% ऑफ 30 इतने पैसे ले जाइएगा, फिर आइएगा एक साल के बाद इतने पैसे ले जाइएगा और फिर आइएगा एक साल के बाद इतने पैसे ले जाइएगा। ये सेम अमाउंट हमने रिटायरमेंट के समय भी दिया था, पहले 3600 फिर 2400 और फिर 1200 का इंटरेस्ट हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया था, यहाँ भी वैसा है। लेकिन अब बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, उस फर्क को समझते हैं। देखिए हमारी बुक्स बंद होती हैं मार्च में और वो कब आएंगे? 30/6/17 को। इट मींस कि जब इस डेट के बाद पहला 31 मार्च आएगा तब हम जब बैलेंस निकालने लगेंगे तब तक वो नहीं आया। कितने महीने बीत चुके हैं? 9 मंथ्स।
क्योंकि 30 जून को अगर उसकी डेथ हुई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 9 मंथ्स बीत चुके हैं। वो तो आएगा 30/6/17 को। तो बस अब ये जो इंटरेस्ट हमने लगाए हैं इनको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स में। रीजन बीइंग कि 31 मार्च 2017 को हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो चुका है 9 मंथ्स का, जो कि अभी हमने पे नहीं करना है। पे हमें करना है 30 जून को, लेकिन एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल हमें इस साल के एक्रूअल बेसिस पे हम अकाउंटेंसी करते हैं, तो इस साल के खर्चों को हमें इस साल दिखाना है। 9 मंथ बीत चुके हैं, इट मींस कि 9 मंथ के इंटरेस्ट का खर्चा इस साल होना चाहिए। तो अगर 3600 को हम डिवाइड करेंगे 9 और 3 में तो ये 2700 आ जाएंगे, क्योंकि 300 पर मंथ हो गया, तो 9 मंथ्स के 2700 और 3 मंथ के 900। तो इसको इस तरीके से दिखाया जाएगा, टू बैलेंस सीडी 2700 9 मंथ का इंटरेस्ट, तो 1417 को हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन 32700 है, और 30/6/17 को जब वो आएगा हम इस पे और इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने महीने का, 3 मंथ्स का, और अब टोटल हमारे 3600 का इंटरेस्ट लग गया। नाउ इस दिन हम उसको पे कर देंगे टू बैंक 10,000 + 3600 13,600, हमारा लोन 20,000 का रह गया। डेथ में भी, रिटायरमेंट में भी हमने उसको 13,600 दिए थे, लेकिन वहाँ पे आए हमारा फाइनेंशियल ईयर और उसकी इंस्टॉलमेंट डेट दोनों ही 31 मार्च के हिसाब से थी। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च के हिसाब से है, लेकिन पेमेंट जो करनी है वो 30 जून को करनी है। तो इट मेक्स अ डिफरेंस कि हमें हर साल, अब इस साल भी 31 मार्च 2018 को हमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा फॉर 9 मंथ्स। हम इसको 200 पर मंथ है तो 1800 और 600 का डिवीज़न हो जाएगा। हम पहले 1800 ड्यू करेंगे, तो अकॉर्डिंगली जब यहाँ बैलेंस निकाला जाएगा तो वो 21,800 का बैलेंस आएगा, क्योंकि 20,000 का लोन बचा है और 1800 रुपीज़ हम इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग दिखा चुके हैं। ये हो गया हमारा 35,400 का टोटल। 1418 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,800, और अब जब वो 30/6/18 को आएगा तो हम कितना और इंटरेस्ट लगाएंगे 3 मंथ्स का 600 रुपीज़। हमारा इंटरेस्ट टोटल 2400 का हो गया, और अब हम उसको कितना पेमेंट कर देंगे 10,000 + 2400 12,400। 31 मार्च 2019 को बैलेंस निकालने से पहले हम फिर से क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 9 मंथ्स, वी विल डिवाइड दिस 1200 टू इन टू पार्ट 900 और 300। तो यहाँ पे 900, तो हमारा जो बैलेंस है वो 10,900 का हो जाएगा, क्योंकि 10,000 का हमारा लोन, 900 का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। अब लास्ट पेमेंट हमें करनी है 30/6/19 को, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन 3 मंथ्स का लगाएंगे और उसको हम पे कर देंगे 10,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस 1200 का इंटरेस्ट, और इस तरीके से इसका लोन अकाउंट भी फाइनली पे हो जाएगा।
तो दोनों के फर्क को अच्छी तरीके से समझा आपने। जब हम रिटायरमेंट हो रही होती है तो हमें इंटरेस्ट को स्प्लिट नहीं करना पड़ता है, लेकिन यही क्वेश्चन जब डेथ में आता है तो डेथ क्योंकि नॉर्मली इन बिटवीन द ईयर कभी भी हो जाती है, यहाँ 3 महीने बाद हुई थी, से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि उसकी डेथ 30 सितंबर को हो गई है, दैट मीन्स 6 मंथ वो लाइव रहा है और 6 मंथ अगले साल का इंटरेस्ट चला जाएगा, तो तब हमें इस डिवीज़न को 6 और 6 करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वो 4 मंथ तक लाइव रहा है तो इस साल 8 मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा और जब वो पेमेंट लेने के लिए आएगा 4 मंथ का इंटरेस्ट और लगाया जाएगा। मीन्स टोटल 12 मंथ्स को उसकी डेट ऑफ डेथ के हिसाब से काउंट करके हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इंटरेस्ट को। जो इंटरेस्ट इस साल के मंथ हैं उनको आउटस्टैंडिंग दिखाया जाएगा और जब वो लेने आएगा बाकी मंथ का इंटरेस्ट लगा के हम उसको पे कर देंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो 12% इंटरेस्ट की बात उससे हुई है, ये एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको कंपाउंड नहीं कर रहे हैं कि इंटरेस्ट लगाने के बाद इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा दें। तो इट इज़ बेटर कि आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है एक नोट दे दें कि वी कंसिडर इंटरेस्ट रेट एज अ सिंपल इंटरेस्ट रेट। ऐसा करके आप इस लोन अकाउंट को पूरा कर सकते हैं और ये हमारी डिस्कशंस को यहाँ रेस्ट देता है और हमारी रिटायरमेंट एंड डेथ की डिस्कशन इसके साथ ही कंप्लीट होती है। आप प्रैक्टिस जारी रखिए क्योंकि मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। कोई भी डाउट आते हैं तो दोबारा से बार बार वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। थैंक यू वेरी मच।